स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है और मैं आपसे आशा करता हूं कि बैक टू बैक सारे वीडियोस आप देख रहे होंगे, क्योंकि जब देखोगे तो बहुत फायदा है। और मैं कहता हूं कि दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा। दिक्कत उससे की होती है जो पढ़ता है, नहीं पढ़ता उसके दिक्कत नहीं होती, उसके भले तो कुछ पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पढ़ते हो और आपकी कोई प्रॉब्लम भी होती होगी तो कमेंट करिए, टेलीग्राम पे बता दीजिए, श्योर आपको आंसर देंगे। बताया हुआ है कि कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, बैक टू बैक जो क्लास देखता है उसको पता है। मींस अपन पढ़ेंगे आपेक्षिकता के सिद्धांत का एक विशिष्ट परिणाम होता है वो पढ़ेंगे। मींस देखिए, सुनिएगा पहले आप थोड़ा सा, आपेक्षिकता का सिद्धांत अपन दो प्रकार से लेते हैं, ठीक है ना। एक तो ऐसा होता है जिसमें समय का मान नियत रहता है, ठीक है। एक ऐसा होता है जिसमें स्थिति का मान नियत रहता है। मीन्स अपन यू लिखते हैं, समकालिकता की आपेक्षिकता। ओके, सम का मतलब सम्मान, कालिकता का मतलब समय, सम्मान समय। परिवर्तन किसमें होगा, दूरी में, दूरी में या स्थिति में। समझ आया कॉन्सेप्ट, वापस से सुनो। समकालिकता की अपेक्षितता, सम का मतलब सम्मान, कालिक का मतलब समय, मीन्स सम्मान समय। तो परिवर्तन किस में, दूरी में। यदि दूरी में परिवर्तन तो अपन कह सकते हैं स्थिति में परिवर्तन। इस बात को समझ आ रहा है कि आपको कि मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है लंबाई में संकुचन, जो कि अपने को पढ़ना है। लंबाई में संकुचन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। जैसे ये होता है उसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट होता है सम संस्थिति की आपेक्षिकता। वापस वही बात, सम का मतलब सम्मान, संस्थिति का मतलब स्थिति। मींस ऐसा जिसमें स्थिति क्या हो, सम्मान। तो परिवर्तन किसमें होगा जी, टाइम में। यदि टाइम में परिवर्तन होगा तो इस अभिघटना को क्या बोलते हैं, सम संस्थिति की आपेक्षिकता। समझ आ रही है बात, बहुत ही लो मीडियम से आपको बताया। अब यदि आपको कहे इसका एग्जाम्पल, तो यहां पे अपन लेंगे समय, या फिर इसको यूं बोलते हैं, अच्छा नाम होता है, काल विस्तारण। काल विस्तारण का मतलब टाइम डिलेशन। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, जो आपेक्षिकता होगी उसको अपन दो प्रकार से पढ़ेंगे। मीन्स अपना काम है लंबाई में संकुचन और टाइम डिलेशन पढ़ना कि ये क्या होता है। लेकिन उससे पहले इसका जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो समझिए। समकालिकता की आपेक्षिकता होती है, दूसरी होती है सम संस्थिति की आपेक्षिकता। नाम से प्रतीत हो रहा है ऐसी आपेक्षिकता जिसमें सम्मान समय हो, परिवर्तन किसमें हो, दूरी में, क्या कहलाती है जी, समकालिकता की अपेक्षिकता। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, लंबाई में संकुचन। यहां भी आप कंफ्यूज होते हो, क्या पढ़ते हो, समकालिकता, यहां पे पहुंचते हो काल विस्तारण। मीन समकालिकता का एग्जाम्पल क्या है, काल विस्तारण। नहीं, समझ रहे हैं, प्रयास करो। काल का मान तो सेम है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, दूरी में। तो लंबाई में संकुचन मीन्स लंबाई में कुछ होगा, तब इसका एग्जाम्पल क्या है, लंबाई में संकुचन। जो आपका यहाँ मिसमैच वाला कॉन्सेप्ट था वो भी इंप्रूव हो गया, ठीक है जी। यहाँ ये सम संस्थिति की अपेक्षिकता मीन्स ऐसी अपेक्षिकता जिसमें स्थिति क्या रहे, सम्मान रहे। यदि स्थिति समान है तो परिवर्तन किसमें होगा, टाइम में। तो ऐसी अपेक्षिकता को क्या बोला जाता है, सम संस्थिति की अपेक्षिकता। एग्जाम्पल क्या है जी, काल विस्तारण या टाइम डिलेशन। या फिर दिमाग में आता है कि सम संस्थिति, स्थिति मतलब लंबाई, तो इसका एग्जाम्पल लंबाई में संकुचन होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे लंबाई तो क्या है, स्थिति तो समान है, परिवर्तन किसमें, टाइम में। तो परिवर्तन का ध्यान रखो आप, इसके एग्जाम्पल के लिए किसका परिवर्तन हो रहा है, तो यहां परिवर्तन किसका होगा, दूरी का। एग्जाम्पल दूरी वाला, यहां परिवर्तन किसका होगा, समय का। एग्जाम्पल किसका, समय का। अपन चलते हैं, फर्स्ट हेडिंग लगाते हैं कि लंबाई में संकुचन क्या है और उसके बाद काल विस्तारण की घटना क्या होती है। देखिएगा आप, वन बाई वन अपन डिस्कशन करेंगे लंबाई में संकुचन। मीन्स इंग्लिश में लिख सकते हो आप
लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ओके, मीन्स लंबाई में होने वाले संकुचन को क्या कहते हैं, लंबाई में संकुचन कहते हैं। लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं ये मान के चलता हूं कि ये निर्देश तंत्र क्या है, एसडीएस, ठीक है जी। और पीछे वाले लेक्चर में बताया कि एस डेस में जो वस्तु रखी है उसकी लंबाई क्या लेनी होती है अपने को, एल नोट लेनी होती है। ये एक्स डेस हो गया, दिस इज वाई डेस, दिस इज जेड डेस, इतना काम हुआ। सेकंड निर्देश तंत्र अपने को लेना है, ठीक है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, एस निर्देश तंत्र, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड, ओ और ओ डेस, यही है। मीन्स इसकी लंबाई में क्या होगा, कोई परिवर्तन होगा, या तो कम होगी या ज्यादा होगी। नाम से प्रतीत हो रहा कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होगी, कम होगी, तो इससे थोड़ा सा आप कम बना दीजिए, इसकी लंबाई क्या हो गई, एल। इतनी बात समझ आई, बहुत आसान सा है। यहां से यहां पे लंब डाली, यहां से यहां पे लंब डाली, ये वाला पॉइंट में एक्स वन डेस ले लेता हूं, एक्स वन पे है तो, और ये वाला पॉइंट में एक्स टू डेस ले लेता हूं, ठीक है। उसी प्रकार यहां से यहां पे डाल दीजिए और ये वाला डाल दीजिए, ठीक है, ये वाला x1 ले लेता हूं और ये वाला x2 ले लेता हूं, इतनी बात समझ आई। अब यहां एक वर्ड आता है उचित लंबाई, इसको समझना आप, उचित लंबाई। कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है उचित लंबाई और उचित समय अंतराल क्या है, दो डेढ़ नंबर वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना। मीन्स प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर लेंथ, सुनना इसके बारे में कि एस डेस निर्देश तंत्र जिसमें छड़ स्थिर प्रतीत होती है, सुनना, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें छड़ की लंबाई स्थिर प्रतीत होती है उसको अपन उपयुक्त निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें छड़ की जो लंबाई होती है वो नियत प्राप्त होती है, मीन्स फिक्स प्राप्त होती है, उचित निर्देश तंत्र कहते हैं। और उचित निर्देश तंत्र में मापित लंबाई के मान को क्या कहते हैं, उचित लंबाई कहते हैं, ठीक है। मीन्स यदि निर्देश तंत्र में ये छड़ यहां पर स्थिर प्रेक्षित होती है, किसको पता लगेगा प्रेक्षित होती है, क्योंकि इस बिंदु ओ पर कौन बैठा रहेगा, प्रेक्षक बैठा रहेगा, तो ये प्रेक्षक ऐसी लंबाई जिसमें ये प्रेक्षक देखें तो ये छड़ क्या प्रतीत हो, स्थिर प्रतीत हो, क्या कहलाती है, उचित लंबाई कहलाती है। आगे बात समझ, उचित लंबाई को एल नोट से डिनोट करते हैं, इतनी बात समझ आई। अपन डेरिवेशन शुरू करते हैं कि कैसे इसका आप डेरिवेशन पढ़ोगे। तो पहली बात, एप्लीकेशन किसकी है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण की है, तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण यहाँ पे काम आने वाला, ये टर्म आपके समझ आ गई होगी, लिखना तो पॉसिबल हो नहीं पाता है, तो यहां सुनिए थोड़ा सा। और एक बात और बता दें आपको साथ में, यदि आप लंबाई में संकुचन निकालो, ये वाली हेडिंग, तब आप लोगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन काम में, आगे बात समझ, इसी में आप गलती करते हो। जब टाइम वाला आप निकालो तब आप लोगे इनवर्स लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ये बात ध्यान रख लेना भैया कि जब लंबाई में संकुचन अपन लेते हैं तो लोरेंज रूपांतरण समीकरण और स्थिति का लेते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, इसकी स्थिति। लेकिन जब समय के बारे में पढ़ेंगे तो व्युत्क्रम अपन काम में लेंगे, करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब मैं डायरेक्ट ये लिखने वाला हूं, चित्रानुसार, चित्रानुसार एल नोट का मान क्या है, ठीक है, और एल का मान क्या है। एल नोट ये वाली डिस्टेंस, मीन्स बड़े वाले में से क्या घटा दो, छोटे वाला, समझ भी लीजिए, आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस पूरी डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस घटा दोगे, तो पूरी कितनी है, x2 डेस, ये वाली कितनी है, x1 डेस, क्या मिल जाएगा आपको, l नोट। तो l नोट आप क्या लिख सकते हो, x2 डेस माइनस x1 डेस। इसी प्रकार आप यहां कह सकते हो कि यहां से यहां तक की लंबाई x2 है, ये क्या है, x1, बस कितनी गई, x2 माइनस x1, समझ आ रही है बात। इसको इक्वेशन वन ले रहा हूं मैं, और लंबाई l, ये s डेस निर्देश तंत्र के लिए होता है और ये s निर्देश तंत्र के लिए होता है। यदि चित्रानुसार अपन ने लिख दिया तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, l इक्वल टू x2 माइनस x1, इसको इक्वेशन
टू मान लेता हूँ मैं, ठीक है जी। लोरेंज रूपांतरण समीकरण से, लोरेंज रूपांतरण समीकरण से क्या होती है जी, स्थिति का x डेस इक्वल टू x माइनस वी टी, मानते हैं कि ये वाली जो है वो वी वेग से किधर जा रही है, कोई x दिशा में जा रही है, अपोन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपोन सी स्क्वायर। चलिए y डेस क्या होता है, अपने को काम में नहीं लेना, अपने को सिर्फ x वाली टर्म काम में लेनी है, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग मैं x वन डेस की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगी, x वन माइनस vt, आई बात समझ, अपोन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपोन सी स्क्वायर। आगे बढ़ो, x2 डेज क्या हो गया, इसको इक्वेशन 3 ले लो, x2 डेज तो x2 माइनस vt डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपोन सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। मैं आपसे इक्वेशन कर सकता हूँ, यहाँ आप हमें ये बताइए मैंने दोनों जगह t क्यों लिया, जबकि लोरेंज में तो अपन पढ़ते थे तो t और t डेस लेते थे, तो आप भी यहाँ पे t1 और t2 लेते, क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये समकालिकता की अपेक्षितता होती है तो टाइम क्या रहता है, सेम रहता है। आगे बात समझ, परिवर्तन किस में होगा, x में ही होगा, इसी वजह से यहाँ पे अपन ने दोनों जगह क्या लिखा है, vt ही लिखा है, नोटेड पॉइंट है ये। समीकरण 3 और 4 को एक में रख दो, क्योंकि अपने पास है बाय इक्वेशन 1, 3 and 4। एल नोट इक्वल x2 रखिए तो x2 माइनस vt डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आगे चलिए माइनस x1 माइनस vt डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, जो बाहर आ रहा है ले लीजिएगा, एल नोट इक्वल 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ क्या बचा, x2 माइनस vt, यहाँ पे क्या रहा, माइनस x1, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव vt, दिस इज कैंसिल, देन वी फाइंड आउट एल नोट इक्वल 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विथ x2 माइनस x1, समीकरण 5 आज ही है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 5 में समीकरण 2 को काम में लेने पर, क्योंकि अपने को पता है x2 माइनस x1 क्या है, L है। समीकरण 2 से दिखाई दे रहा है, यहां तक देगा, एल नोट क्या है, 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दिया अपन ने, एल, मीन्स अपन ने एक रिलेशन निकाल लिया किसके बीच, एल नोट और एल के बीच में। यदि यहां से एल आपको निकालना होता है तो क्या हो जाएगा, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के साथ क्या हो गया, एल नोट। इस इक्वेशन से क्या निष्कर्ष निकलता है कि एल नोट का मान, L नोट का जो मान है वो L में किसी का भाग दे रहे हैं तब अपने को प्राप्त होता है, और जब अपन भाग देते हैं तो कोई संख्या है, सपोज करो आप यहाँ L की वैल्यू कुछ भी ले लो, जब इस वाले फैक्टर का आप डिवाइडेशन दोगे तो L नोट का मान कम ही आएगा। समझ में आई क्या बात, क्या कहा, फिर से समझना, यहाँ L का मान चाहे कुछ भी हो, क्वांटिटी में डिवाइडेशन लग रहा है, इक्वल टू किसके है, L नोट के, इसका मीनिंग L का कोई भी मान हो, L नोट का मान L से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, समझे इस बात को, और इस कमी को ही क्या कहते हैं, लंबाई में संकुचन कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। और आपको ये पूछा जाता है कि कितना फैक्टर कम आता है, तो आप बता सकते हो 1 अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मीन्स अल्फा फैक्टर क्या आता है, कम आता है, ये पढ़ा है अपन ने लंबाई में संकुचन, मीन्स इस इक्वेशन से, इक्वेशन 6 से ही अपन कह सकते हैं कि यहाँ से यही निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी मापित लंबाई होती है, मीन्स कोई भी मापित लंबाई होती है वो प्रेक्षित लंबाई से संकुचित होने का प्रयास करती है। समझ आया, लेंथ कॉन्ट्रेक्शन। दूसरे पे आ जाइए, खत्म हो चुका ये टॉपिक। अब इसमें कई बार ये कहा जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको पूछा जाता है, सुनिएगा आप ध्यान से, यदि आपके पास एक निर्देश तंत्र है जिसमें क्या रखा हुआ है जी, कोई वर्ग रखा हुआ है,
तो आपसे पूछा जाता है दूसरे निर्देश तंत्र में ये कैसा दिखाई देगा, तो बहुत आसान वर्ग है, तो इसकी सारी भुजाएं बराबर दिखाना, ठीक है। ये किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में जाएगा, तो आपको ये किस आकृति का दिखाई देगा, रेक्टेंगल मीन्स आयत दिखाई देगा। इसी प्रकार ये लो, आपको कहे कि यहाँ पे कोई वृत्त रखा हुआ है मीन्स सर्कल रखा हुआ है, तो यदि ये वी वेग से जा रहा है तो आपको इस दूसरे निर्देश तंत्र में कैसा दिखाई देगा, तो वृत्त को जब आप तोड़ते हो थोड़ा सा, ठीक है ना, वृत्त को जब थोड़ा सा आप तोड़ते हो या फिर थोड़ा सा स्ट्रेच करते हो तो कैसी आकृति ले लेता है, ऐसे, जिसको आप क्या बोलते हो, दीर्घ वृत्त बोलते हो। लेकिन यहां पर खास बात ध्यान रखना, ये जो लंबाई में प्रसार हो रहा है ये हमेशा लंबवत दिशा में ही होता है, मीन्स अपन ने जो बनाया है वो ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये लंबवत दिशा में होता है, मीन्स ये डायग्राम ऐसे नहीं बन के कैसे बनना चाहिए, इस प्रकार से बनना चाहिए कि ये तो आयत है और ये जो एलिप्टिकल है ये किस प्रकार से बनना चाहिए, इस प्रकार बनना चाहिए। यही वजह थी कि पहले वैसे बनाया अपन ने, उसके बाद ये वाला बनाया। ध्यान रखिएगा इसमें जो भी काम होगा वो लंबवत दिशा में होगा, समझ आ गई इतनी बात। चलो नेक्स्ट पे आते हैं अपन, टॉपिक तो आपको पता ही है कि क्या होगा, काल विस्तारण। देखिएगा काल विस्तारण, इंग्लिश में यदि आप इसको लिखना चाहो तो लिखोगे टाइम डिलेशन, ठीक है, टाइम डिलेशन। वापस वही बात, यहाँ पे भी एक वर्ड आएगा, पहले वही बता देते हैं, वहां जैसे उचित लंबाई थी यहाँ पे क्या आएगा, उचित समयांतराल, प्रॉपर टाइम, समझिए इस बात को कि प्रॉपर टाइम क्या होता है। किसी स्थिर घड़ी के सापेक्ष जो समयांतराल मापा जाए उसको अपन क्या कहते हैं, उचित समयांतराल। एक सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना कि किसी स्थिर घड़ी के सापेक्ष जो समयांतराल है वो, लेकिन एक्चुअल यही होती है। और अपन इसमें कहेंगे कि गतिशील घड़ियां सुस्त घड़ियों की तुलना में कम चलती हुई प्रतीत होती है, इसमें भी आप सहमत नहीं होगे, लेकिन जब रिजल्ट निकलेगा तब सहमत होगे। फिर से सुनो, उचित समयांतराल क्या है, कि वह समयांतराल जो किसी निर्देश तंत्र के प्रेक्षक द्वारा मापा जाता है जिसके सापेक्ष कोई घड़ी है वो कैसी है, स्थिर है। इसका मीनिंग क्या है कि गतिमान घड़ियां, यहां देखो क्या बोला जाता है, गतिमान घड़ियां सुस्त, जो रेस्ट पर है, सुस्त घड़ियों की तुलना में कम चलती हुई प्रतीत होती है, मीन्स क्या है कि गतिमान घड़ी तो चल रही है बेचारी, लेकिन फिर भी कहते हैं सुस्त घड़ी की तुलना में ये कम प्रतीत होती है, मीन्स गतिमान घड़ियां सुस्त चलती हुई प्रतीत होती है, ऐसे लिख सकते हो, गतिमान घड़ियां सुस्त चलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका डेरिवेशन अपन करते हैं बाय सिस्टेमेटिक, ठीक है, उचित समयांतराल समझाने का मतलब था आपको। हाँ, अब डायग्राम आप ही बनाओगे कि कैसे इसका डायग्राम बनेगा, वही बात, एक तो अपने को लेना है निर्देश तंत्र एस डेस और दूसरा एस लेना, ये लो एस डेस ले लिया, दूसरा क्या ले लिया अपन ने, एस ले लिया। यहां पर कोई घड़ी है, ठीक है, और ये जो निर्देश तंत्र है इसको अपन मान लेते हैं उपयुक्त निर्देश तंत्र, ठीक है ना, उचित वाला उपयुक्त निर्देश तंत्र, ठीक है, और ये वाला है कोई लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र, किसी लेबोरेटरी में मेजरमेंट अपन कर रहे हैं। तो ये घड़ी है, तो पहले देखिए काल विस्तारण समसंस्थिति, इसकी स्थिति क्या होती है, एक ही होती है। तो बुक्स में आपको यही डायग्राम मिलता है कि यहाँ पर कुछ लंब डाला हुआ रहता है और यहाँ पे क्या लिखा मिलता है आपको, एक्स वन डैश। आप सोचते हो वहाँ तो लंबाई ऐसे थी, दो डाले थे, यहाँ दो क्यों नहीं डाले, तो क्यों नहीं डाले, क्योंकि ये समसंस्थिति की अपेक्षितता होती है और इसमें एक्स का मान ओनली कितना होता है,
एक ही जगह पर अपने को फाइंड होता है, समझ गए बात। इसी प्रकार यदि एस निर्देश तंत्र में अपन चलें तो ये अपने पास मान लो घड़ी है, ये भी समसंस्थिति होगी, तो अपन यहाँ पर क्या मान लेते हैं, एक्स वन मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, और ये भी मान के चलते हैं कि लगने वाले एस डेस में, कि एस डेस निर्देश तंत्र में जब दो घटना घटित होती है तो उनमें लगने वाला समय टी वन डेस और टी टू डेस है। इसी प्रकार एस निर्देश तंत्र में जो घटनाएं घटित होती है, दो घटनाएं, उनमें लगने वाला समय क्या है, टी वन एंड टी टू। अब डेरिवेशन अपने को करना है, आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि यहाँ व्युत्क्रम लोरेंज रूपांतरण समीकरण आपको काम में लेना है। देखिएगा कैसे लेंगे अपन, वी नो दैट पहले तो इससे आप क्या लिख सकते हो, उपयुक्त जो समय अंतराल है, देखिएगा उपयुक्त यहां लिखना चित्रानुसार, चित्रानुसार उपयुक्त समय अंतराल, अपन मान लेते हैं यहां समय अंतराल टो नोट है और यहां पे समय अंतराल कितना है, टो है, ठीक है ना, स्पेशल सिंबल है अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो टो नोट, यहां दो घटना घटित हो रही है, एक तो टी टू और दूसरी कौन सी, टी वन, लेकिन डेस में है, इक्वेशन नंबर वन, आई बात समझ। इसी प्रकार टो इक्वल, यहां पे भी दो घटना है, पहली टी टू नहीं टी वन है और टी टू, लिखते कैसे, बड़े वाला माइनस छोटे वाला, जो बाद गठित होती है वो माइनस पहले वाला समय अंतराल। वैसे भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दें, कहाँ पे भी लिखा हुआ है डेल्टा टी, तो ये होता है समय अंतराल, बड़े वाला समय माइनस छोटे वाला समय, इसी कॉन्सेप्ट से लिखा जाता है। वापस देखिएगा, अब यहाँ टी है आपके पास, क्या एक्स है, मीन्स आप कौन सा लोरेंज रूपांतरण काम में लोगे, समय या काल वाला रूपांतरण समीकरण। तो समय के लोरेंज रूपांतरण समीकरण से क्या होता है जी, टी डेस इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी माइनस क्या होता है यू एक्स वी, टी माइनस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई क्या होता है सी स्क्वायर, सीधा सीधा मान यही होता है, लेकिन आपको कैसा काम में लेना है, व्युत्क्रम काम में लेना है। तो समझिए आप इस कॉन्सेप्ट को, व्युत्क्रम, और बताया हुआ था यदि टी निकालना है तो टी की जगह टी डेस, माइनस की जगह प्लस कर दो, यदि वीडियो पीछे वाला देखा ना एल टी वाला, तो सी स्क्वायर टी डेस प्लस यू एक्स वी अपोन सी स्क्वायर, इसको अपन मान लेते हैं ये समीकरण है तीन। अब यहां अपना वही मकसद वापस से, कौन सा मकसद, कि पहले T1 निकाल लो, T1 डेस निकाल लो, T2 निकाल लो, T2 डेस निकाल लो, देखिएगा। पर अपन निकाल के चलते हैं, T अपने पास है तो T डेस, और T डेस कैसा, T1 डेस का मान क्या हो जाएगा वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, T1 डेस नहीं आएगा, T1 इक्वल ये, तो T1 डेस प्लस यू एक्स वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, समझ गए इस कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट आगे बढ़िए, यदि टी टू निकालना होता तो वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी टू डेज यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन फोर, दिस इज इक्वेशन फाइव, लिख सकते हो इजीली। आप देखिएगा, टी टू आपके पास है, टी वन आपके पास है, इक्वेशन टू में आप वैल्यू पुटअप कर सकते हो, मीन्स इक्वेशन फोर एंड फाइव यूजिंग इन इक्वेशन टू, क्या मिलेगा आपको, टाउ इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टी टू डेज प्लस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपोन सी स्क्वायर, साथ में क्या आ जाए टी वन डेज प्लस यू एक्स वी अपोन सी स्क्वायर, समझे इस कॉन्सेप्ट को। अब वापस मैं आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं कि वी अपोन सी स्क्वायर तो ठीक है कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहाँ यू एक्स आ रहा है, तो इसको आपने यू एक्स डेज वन और यू एक्स डेज टू क्यों नहीं लिया, क्योंकि सम मतलब क्या है, काल विस्तारण कैसी होती है, समसंस्थिति की स्थिति, x हो चाहे x डेस दोनों बराबर, अवकलन करो dx बटा dt,
डी एक्स डैश बटा डी टी कीजिएगा, यू एक्स किसके बराबर है, यू एक्स डैश। इस वजह से मैंने दोनों जगह क्या रखा है, यू एक्स रखा है। क्लियरिफिकेशन हुआ कि नहीं, आगे बढ़िए। टाउ इक्वल बाहर क्या आ रहा है दोनों में से, वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, अंदर क्या आ रहा है जी टी टू डैश प्लस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर माइनस टी वन डैश माइनस यू एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज चला गए, ठीक है। क्या मिला अपने को, टो इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर टो टी टू डेज माइनस टी वन डेज। इक्वेशन छः, समीकरण एक व छः से क्या मिला जी, टो इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिल गया आपको, टो नोट। समीकरण क्या आ गया, सा। इतनी बात समझ आई, क्या मिल रहा है अपने को, इसको इधर मल्टीपल करेंगे मीन्स टो इक्वल टू वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू टो नोट से। यही निष्कर्ष है कि टो सदैव टो नोट से अधिक प्रेक्षित होगा, टो टो नोट से अधिक प्रेक्षित होगा, और यही अपने को बताना होता है। मल्टीपल करोगे यहाँ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टो की ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है ना। देखने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा है कि टो नोट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों में आपका कन्फ्यूजन कहाँ रहता है वो देखिए आप ये जो टो वाली वैल्यू है, ठीक है ना, उसको तो टो नोट मान लेते हो, और टो नोट वाली को क्या मान लेते हो, टो। तब ये रिलेशन आपके पास उल्टा निकल के आ जाता है जब आप करते हो, तो टो नोट इक्वल वन अपॉन रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साथ में क्या आ जाता है, टो, और वो गलत हो जाता है। इसी वजह से हर कॉन्सेप्ट आपको बताते हुए चले हैं, और ये जो घटना होती है, जो डेरिवेशन पढ़ा, उसको अपन कहते हैं काल विस्तारण। चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है, समझे इस बात को। हर एक टॉपिक अपन ने पढ़ा है, कोई सा भी टॉपिक नहीं छोड़ा, लेकिन इस यूनिट का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं, मीन्स वो एक अलग से चैप्टर, आपके ये चैप्टर खत्म हो चुका है, यूनिट का अलग चैप्टर है जिसको अपन बोलते हैं आभासी बल। आभासी बल सुना होगा, जब किसी लिफ्ट में बैठते हैं तो लिफ्ट नीचे से ऊपर जाती है तो अपना वजन बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, नीचे जाते हैं तो घटा हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यदि कोई उस लिफ्ट के रस्सी को तोड़ दे तो क्या होता है, अपन इस प्रकार गिरते हैं जैसे कोई स्वतंत्र में कोई पिंड गिरा, आकाश से कोई पिंड गिर रहा है। तो ये वाली बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, वो लेक्चर लास्ट लेक्चर होगा। वीडियोज़ देख रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक ही है जो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू।